हेलो एवरीवन, मैं हूँ उज़माली शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन स्पून। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन बाइट और ये रेसिपी परफेक्ट है टी टाइम स्नैक्स के लिए और इसे हम एज ए स्टार्टर बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होते हैं और बच्चों की ये तो फेवरेट है। चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। यहाँ मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन को छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। एक चम्मच व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच डार्क सोया सॉस। इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे। इसमें आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मैदे को चिकन को कोट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। चिकन मैरिनेट हो गया है, अब अगला स्टेप है इसकी कोटिंग का। तो यहाँ मैंने एक बाउल में पानी लिया है। सबसे पहले इसे मैदे के साथ कोट कर लेंगे। 4 से 5 चिकन के पीसेस को मैदे में डालकर इसे कोट कर लेंगे। क्योंकि चिकन मैरिनेशन की वजह से गीला है तो इस पर मैदा चिपक जाएगा। इसे हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, सिंपली मैदे से इसे कोट करेंगे। पर ऐसा स्पून तो हम सभी के घरों में होता है। इसमें चिकन के पीसेस डालकर एक्स्ट्रा मैदा हम निकाल लेंगे और फिर इन पीसेस को यहाँ से निकाल कर पानी में डाल देंगे। इसके बाद पानी से निकाल कर फिर से इसे मैदे में डाल देंगे। अब ये जो दूसरी कोटिंग हम यहाँ करेंगे, इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए करेंगे और इसे रोटेट करते जाएंगे। ऐसा करने से पीसेस पर क्रम्स बनेंगे। अब इसे छन्नी में डाल देंगे और फिर इसे झटक लेंगे और एक्स्ट्रा मैदा यहाँ पर निकल जाएगा और इसके जो क्रम्स है वो खुल जाएगी। अब इसे हम साइड में रख देंगे। सेम प्रोसेस से सभी चिकन की कोटिंग कर लेंगे। अब इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में कुकिंग ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिकन के पीसेस को डाल देंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसे कुक होने में लगभग 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। इसे बीच बीच में हलाते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए इसके क्रम्स। ट्रस्ट मी, किसी ने मानना ही नहीं है कि आपने ये घर में बनाया है। इतने अच्छे क्रम्स बनेंगे अगर आप ये रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। यहाँ मैं आपके साथ एक सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इस क्रिस्पी बाइट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 से 3 चम्मच मेयोनीज, 1 चम्मच टमाटो केचप, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच मस्टर्ड सॉस। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी सॉस बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बस 400 ग्राम चिकन से बहुत सारे चिकन बाइट्स बनकर रेडी हो जाते हैं और क्रिस्पी चिकन तो हर किसी को पसंद आते हैं। और जब आपको इस तरह की रेसिपी मिले जिसमें आपने 2 से 3 मसालों से क्रिस्पी चिकन बनाना है तो यकीन मानिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और आप जब भी इसे बनाएं इसी सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जल्द ही मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।